अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला की हिफ्ज़ अमान में होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको आज अपनी छोटी सी फैमिली के बारे में बताऊंगा और अपना न्यू रूम जो हमने शिफ्ट किया है वो भी दिखाऊंगा। तो व्यूअर्स, अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं पहले फर्स्ट ऑफ अपनी फैमिली दिखाऊंगा, छोटी सी फैमिली जो कि मेरे 3 बच्चे हैं, अभी वो मसरूफ़ हैं। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मेरे बच्चे जो कि मसरूफ़ हैं दूध पीने में। तीनों बच्चे जो है मसरूफ़ हैं। तो ये बहुत ही शरारती हैं। और ये मेरा अच्छा, इसका नाम दिशान हैदर है, ये और ये इसका नाम मानूर फातिमा और ये महीन फातिमा। ये तीनों बच्चे मेरे जो हैं बहुत ही शरारती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो शरारती है इस दिशान हैदर, जो कि हर वक्त मुझे कहता है कि मुझे अबू वीडियो बनाने दो। ये इसको वीडियो बनाने का बहुत शौक़ है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये हमारे 2 ट्राईपोड हैं जो कि ज़बरदस्त हैं। ये कुछ अर्सा पहले मैंने ये वाला ट्राईपोड लिया था जो कि ज़बरदस्त है। आप इसको देखें, काफ़ी इसकी स्टैंड भी काफ़ी इसकी बड़ी है। तो ये वाला जो ट्राईपोड है ये आप यहाँ पर बैठ के भी व्लॉग बना सकते हैं। तो ये छोटा वाला ट्राईपोड है, मैं क्योंकि छोटे वाले ट्राईपोड से अगर बाहर व्लॉग बनाना हो तो इस छोटे वाले ट्राईपोड से बनाता हूँ। अगर बैठकर यहाँ बैठकर बनाना हो तो मैं यहीं पर ये यूज़ करता हूँ, ये वाला ट्राईपोड, क्योंकि बैठकर बनाने से ये ट्राईपोड ज़बरदस्त होता है। तो मैं भी आप सब दोस्तों को यही मशवरा दूँगा कि अगर बैठकर बनाना हो तो इस जैसा ट्राईपोड लें। अगर बाहर कहीं भी जाना हो तो ये वाला छोटा सा ट्राईपोड है ये आप यूज़ करें, ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इंशाल्लाह अगर आप तो अभी बस आप देख सकते हैं कि हमारा दिशान जो है कह रहे हैं बाग से क्या करें? अच्छा, अब तू कह रहे हैं पेबू क्या? सूरज जो है ढल चुका है। क्योंकि सूरज की लाइट जो है मध्यम हो चुकी है। बड़ी तेज़ी से आता है इसमें। ये देख सकते हैं अभी बहुत ही तेज़ी के साथ पानी आ रहा है, क्योंकि जब ये इसकी खुदाई नहीं थी ना तो ये स्लो आता था। अब माशाल्लाह काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। चुनाई करवाएंगे, ये देख सकते हैं आप, ये बागात हैं। माशाल्लाह काफ़ी साफ फसल है, बीमारी से भी बची हुई है। तो हमने बहुत ही कोशिश की ताकि इसको बीमारी ना लगे, तो हमने इसको बार बार स्प्रे करवाया। अब ये काफ़ी महफूज हो चुका है, ये देख सकते हैं कितनी साफ़ हो चुकी है ये कपास। पहले
बीमारी की वजह से बहुत ही ख़राब हो गई थी। देख सकते क्या है जी जी आ क्या करें देखो ओ हो वटे मरे दाखनी क्या कू हाँ करमसन क्या हाल है ठीक ही फेटी बिल्कुल केड़े गए आज कल घूमता फिर वाह भाई वाह कोई काम शाम ना करना पे हाली ये हाली काम का नहीं सारी वीडियो वाले दे दो अच्छा सारी वीडियो दे दो जी सही बस सारा यही काम है वीडियो बनावा मोबाइल चाहिए मोबाइल कहीं ले कितना बड़ाई दे के ले कितना बड़ाई ब्याह सारा कोई काम ही करी सर वीडियो बड़ा तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये जो धान की फसल है पकने वाली है इसको बाकी थोड़े दिन ही हैं तैयार होने के लिए कुछ ही दिनों में ये पक जाएगी।